गठबंधन प्रत्याशी बड़ी मजबूती से लड़ रहा है, हम लोग तो देख ही रहे हैं सवेरे शाम तक। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, दिन रात अपना परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हम लोग दिल्ली जाने का काम करें। जो पप्पू जी कोई बयान देता है, मैं बयान क्यों नहीं गलत तो नहीं देता हूँ, जो मेरे आता है, मैं जो हमको दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी, जो दायित्व मिला है जो हमारे पास है, मैं यहाँ से कहा था जो भी वो सच कहा था, यहाँ पे अभी माननीय सांसद जी ने कहा है। पूर्व विधायक हैं महेंद्र यादव जी, बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, आप सर क्या कहते हैं? जिसको ज्वाइन करना हो जो ज्वाइन करेगा, मेरा काम है अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, अपने सहयोग, अपने जनता के बीच रहना है। और हम लोग यही नारा है 400 पार, और सीतापुर से 4 लाख+ रुपया मैं भेजूँगा जिसे। My classroom is a window to the world where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। आज भाजपा की ओर से शक्ति संयोजकों की जो है बैठक की गई, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा जी मौजूद थे। उनसे हम जानेंगे, सर आज जो शक्ति संयोजकों की बैठक हुई है, ये हमारे जिला अध्यक्ष से पूछो क्या हुआ, मैं तो अभी आया, मुझे पता भी नहीं। क्या सर आज जो है पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं वो जो है भाजपा, बताया जा रहा है बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, उनको टिकट मिली है, क्या कहेंगे? हमें तो जानकारी कुछ है नहीं, अगर ज्वाइन किया है तो उनका स्वागत है, हमारे लिए तो स्वागत है उनका। अच्छा, क्या करना है उसमें, बहुत अच्छा है। अच्छा, गठबंधन प्रत्याशी को लेकर सर कोई? गठबंधन प्रत्याशी बड़ी मजबूती से लड़ रहा है, हम लोग तो देख ही रहे हैं सवेरे शाम तक। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, दिन रात अपना परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हम लोग दिल्ली जाने का काम करें। जो भाजपा का जो है वो घोषणा पत्र आया, उसको लेकर जो है केंद्रीय भाजपा के द्वारा जो है घोषणाएं की गई, आप सर सीतापुर में क्या कहते हैं? आज देखिए उसका संकल्प पत्र का हमारे मंत्री जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी अभी उसके बारे में आप लोगों की एक PC बुलाए हैं, उसमें सारा विस्तार से आपको बताने का काम करेंगे। पूर्व विधायक हैं महेंद्र यादव जी, बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, आप सर क्या कहते हैं? जिसको ज्वाइन करना हो जो ज्वाइन करेगा, मेरा काम है अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, अपने सहयोग, अपने जनता के बीच रहना है। और हम लोग यही नारा है 400 पार, और सीतापुर से 4 लाख+ रुपया मैं भेजूंगा जिसे। जी बताइए सर, अभी जो गठबंधन प्रत्याशी हैं पिछले दिनों उनके द्वारा कई सारे बयान दिए गए, आपने सुना होगा, क्या कहेंगे सर? पप्पू जी कोई बयान देता है, मैं बयान क्यों नहीं गलत तो नहीं देता हूँ, जो मेरे आता है, मैं जो हमको दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी, जो दायित्व मिला है जो हमारे पास है, मैं यहाँ से कहा था जो भी वो सच कहा था, यहाँ पे अभी माननीय सांसद जी ने कहा है, हमारी जनता है, जनता के काम किया है। अब पिछली बार 1 लाख मिला था, जो हम दो साल से काम कर रहे तो प्लस जाएगी, और यहाँ से दूने, हमारे तो लक्ष्य दूना, जितना पाया था दूना लेके जाऊँगा। अब उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अब कोई कटाक्ष मारे क्या करना, उससे हमसे मतलब है। पिछले दिनों एक चर्चा हुई कि भाजपा एक मुस्लिम ब्रिगेड तैयार कर रही है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर मतदान के समय मुस्लिम महिला एजेंट बनाए जाएंगे, क्या सर ये जानकारी है, क्या है? ऐसा है, ये कोई तैयारी नहीं, हमारी तैयारी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे में सब समाज के हमारे जुड़ रहे हैं, और जुड़ने से हम कोई हमारा परिवार बढ़ रहा है तो हम क्यों रोकें, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ भी करते हैं, सबका। अच्छा मंत्री जी, अभी पिछले दिनों खैराबाद में पब्लिक व्यूज के कार्यक्रम के दौरान
वहाँ पर दरी व्यापार को लेकर के कुछ मजदूर वर्ग के लोग मिले थे और उनका कहना था कि एक्सपोर्ट का जो काम है वो बहुत फीका हो गया है, जिसके कारण बता रहे कि बच्चों के पालन को लेकर के भी जो है उनको समस्या आ रही। क्या कहेंगे सर? चलिए, ये तो आपके ऊपर संज्ञान में नहीं, अगर कुछ होगा तो हम बताएंगे। तो यह है भाजपा सरकार के राज्य मंत्री राकेश राठौर। गुरु जी, चुनाव को लेकर के इन्होंने जो बताया कि जो है भाजपा 400 पार के जो दावे के साथ, नारे के साथ जो है बड़ी मजबूती से समाज में जा रही है, और इस बार 400 पार का जो दावा है वो मंत्री जी ने भी किया है और जो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी थे उन्होंने राजेश वर्मा जी ने भी किया है। कैमरे के पीछे हसन गोगा थे और मैं रमेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।